तो आज मैं आपको खबर दिखाऊंगा किस तरीके से पैसे के लेन देन को लेकर रंजिश और गुस्सा किस कदर बढ़ जाता है। पहले तो पैसे उधार में दिए जाते हैं और उसके बाद जब आदमी पैसे लौटाने नहीं आता तो कहीं ना कहीं गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन इस कदर बढ़ जाती है। ये गाड़ी आप देख लीजिए, XUV 500 ये गाड़ी है महिंद्रा की और किस कदर इसको तोड़ा गया है। तमाम आप शीशे देख लीजिए इस गाड़ी के। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि तमाम इस गाड़ी को चारों तरफ से दिखा दीजिए। इस गाड़ी का मालिक को जो है बड़ी बेरहमी से जो है कुछ युवकों द्वारा पीटा जाता है। 3 से 4 से 5 लोग थे, ये आप देख सकते हैं कि रोड़ों के निशान है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार यहाँ पर दिखाए, 3 रोड़ों का निशान यहाँ पर है और करीबन 4 से 5 रोड़ों का निशान यहाँ पर है। ये वो XUV ब्लैक कलर की है जो बताया जा रहा है कि बीते दिन जो है इसमें एक युवक जो है वो इसमें सवार था और पीछे से आ रहे युवकों ने जो है उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले के बाद जो है उस व्यक्ति को उठाकर किडनैप करके ले जाया जाता है क्योंकि उससे पैसे लेने थे। तो आइए आपको सुनाते हैं पूरा मामला क्या है। बिलासपुर SHO श्री रवि कांत जो है आते ही पदभार संभालते ही जो है ताबड़तोड़ एक्शन मोड में आ गए हैं और आपको बता दें कि इन 3 युवकों को जो है आज बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन के रिमांड पर जो है उनको लिया जाएगा और 2 व्यक्ति और जो अभी तक फरार हैं उनको भी पकड़ने का प्रयास किया। ये आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला था। एक्चुअली कल हमें VT आई थी कि विनोद कुमार और अमित कुमार 2 भाई अपना गाड़ी में जा रहे थे कोर्ट से, तो उनको पीछे से किसी ने एक गाड़ी में टेक ओवर किया मारुति ने और आगे लगाकर फिर पीछे से एक गाड़ी और उन्हें दोनों ने बीच में रोक के उनको पीटा, गाड़ी तोड़ी, उनको उठा के एक बंदे को उठा के अमित शर्मा को ले गए। फिर हमने उनको रिकवर करा, पकड़ा और अभी 3 बंदे हमने अरेस्ट कर लिए हैं जिसका आशीष जैन और गुरविंदर मिक्का और तीसरा है राहुल सैनी, इनको अरेस्ट कर लिया है और 2 दिन का रिमांड लिया गया है और अभी 2 बंदे और हमने अरेस्ट करने हैं। सर, किस वजह से उस व्यक्ति को उठाया गया? एक्चुअली इनका पैसे का लेन देन था पहले। तो पहले भी ऐसी कोई घटना का? नहीं, अभी आया नहीं सामने पूछताछ में, अब देखते हैं। रिमांड है 2 दिन का, उसमें क्लियर होएगा। सर, कहाँ से उठाया था उस व्यक्ति को? इसको उठाया था यहाँ चिचरौली रोड से। तो कोई व्यक्ति कहाँ का था? सर, ये मलिकपुर का था, अमित। क्या काम करता सर वो? ये प्रॉपर्टी का ज्वेलर का शायद काम है इसका, प्रॉपर्टी का काम करता है सर। तो उस व्यक्ति को रिकवर कर लिया सर? हाँ, उसको ले लिया, कोर्ट में पेश कर दिया, बयान करा दिए उसके और उसका मेडिकल करा रहे हैं कि चोट वोट और ना हो उसके बाद। तो किन धाराओं पर सर? इसमें 368, 149, 506, 427 और जो आगे अभी देखते हैं क्या निकलता है उसमें और एडिट करी जाएगी। सर, जो गाड़ी तोड़ी थी वो पुलिस ने रिकवर? हाँ, गाड़ी हमने ले ली थी उस टाइम। तो आगे और लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं? बिल्कुल, 2 बंदों का नाम हो रहा है, उनको हम जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। तो पूरी घटना हमने आपको सुनवाई, SHO साहब से भी आपकी बात करी। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक खबर से जानकारी मिली। अगर ऐसी और भी बेहतर न्यूज़ आप जानना चाहते हैं तो HR71 को फॉलो कर लें, YouTube पेज को सब्सक्राइब कर लें। बिलासपुर से HR71 न्यूज़ के लिए सरनजीत सिंह।